बाड़मेर जिले में टिड्डियों के हमले से खेतों में खड़ी फसलों को भारी नुकसान हुआ है। खेतों में फसलों को हुए नुकसान को लेकर सोमवार को पूर्व सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पूर्व सांसद चौधरी ने जल्द फसल नुकसान का आंकलन करवाकर किसानों को मुआवजा देने की मांग की। इस दौरान पूर्व सांसद चौधरी ने राज्य की कांग्रेस व केंद्र की भाजपा सरकार को राजनीति करने की बजाय किसानों के हितों की ओर ध्यान देने की बात कही। बाड़मेर के सरहदी इलाकों में छाए टिड्डियों के प्रकोप पर राज्य और केंद्र सरकार की आपसी खींचतान के बीच दर्जनों किसानों के साथ बाड़मेर जैसलमेर के पूर्व सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी सोमवार को बाड़मेर जिला कलेक्टर से मिलने पहुंचे। जिला कलेक्टर अंशदीप से मुलाकात कर कर्नल सोनाराम चौधरी ने किसानों की फसलों की तबाही पर प्रशासन की तरफ से गंभीरता बरतते हुए किसानों को मुआवजे के साथ साथ इसे प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में लेने की बात कही। जिला कलेक्टर अंशदीप ने कर्नल सोनाराम चौधरी की बात पर सहमति जताते हुए दो दिन के अंदर किसानों की फसलों की खराबे के आकलन कर उसकी रिपोर्ट देने के आदेश की पालना सुनिश्चित करने की बात कही। कर्नल सोनाराम चौधरी ने किसानों की तरफ से जिला कलेक्टर अंशदीप को ज्ञापन भी सौंपा। जिला कलेक्टर अंशदीप से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कर्नल सोनाराम चौधरी ने कहा कि टिड्डी दल पर विभाग का कोई काबू नहीं है, सरहदी गांवों में किसानों की फसलें तबाह हो रही है। उन्होंने कहा कि बाड़मेर जिले में टिड्डी नियंत्रण विभाग का टिड्डी दल पर कोई काबू नहीं है और टिड्डी की सूचना के बाद भी विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जिले के चौटन इलाके में दर्जनों गांवों में टिड्डियों के हमले से किसानों की सारी फसलें खस्त हो गई है, लेकिन टिड्डी विभाग समेत जिम्मेदार अधिकारी इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। कर्नल सोनाराम चौधरी ने किसानों और ग्रामीणों के फसल खराबे के मुआवजे के साथ टिड्डी नियंत्रण करने की मांग की है। पाकिस्तान ने भी बात देखो, देखा जाए तो कुछ वहाँ से बलूचिस्तान से जो आ रहे हैं वहाँ पर तालमेल रखनी चाहिए। कोई कहता क्या उसके बारे में क्या नहीं जानकारी है, ये तो वो बात है। दूसरा ये तो दोनों सरकारें जो है चाहे कांग्रेस बीजेपी का तालमेल हो रहा और आपस में यहाँ राजनीति नहीं होनी चाहिए, मिल के काम कौन राजनीति कर रहा है जो भी किसी तरह की अखबार में पढ़ रहा था तो उस पर था ना कुछ बात की क्या सरकार का है, राजस्थान सरकार का है। किसान की इस मौके पर राजनीति भी नहीं, आपस में एक दूसरे के छीका छीटी नहीं होनी चाहिए, मिल करके आपस में बैठो। मुझे पता है मैं विधानसभा में रहा हूँ, लोकसभा में रहा हूँ, जब कोई आपत्ति आती दिक्कत आती है तो दूसरे वहाँ के रूलिंग जो है सरकार और जो अपोजिशन प्रतिपक्ष देते हैं वो मिल करके बात करें। कर्नल सोनाराम चौधरी ने टिड्डियों के मामले में राज्य सरकार और केंद्र सरकार की आपसी खींचतान को बंद करने की नसीहत भी दी। साथ ही उन्होंने किसानों पर राजनीति न करने की बात भी कही। अब देखने वाली बात है कि किसानों के लिए मैदान में उतरे कर्नल सोनाराम चौधरी किसानों को कितनी राहत दिलवा पाते हैं।